प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक विशेष बैठक की। बैठक में राजस्व सेक्टर के विभिन्न विभागों का प्रेजेंटेशन दिया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अवैध शराब बनाने और बे रेवेन्यू कलेक्शन सेक्टर के अधिकारियों के साथ चलने वाले के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने जीएसटी के पूर्व के मुकदमों के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम राज्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी 100 दिनों के अंदर ओटीएस योजना लागू की जाए। प्रदेश में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना को लेकर कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारिक संगठनों बार एसोसिएशन से लगातार संवाद करें। सीएम ने कहा कि जीएसटी और वैट की चोरी लीकेज को बंद करने के लिए अभी और कार्य किए जाने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि छोटे मूल के ई स्टैंप उचित दर विक्रेता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। बिना इस्तेमाल स्टैंप वापसी की ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जाए। परिवहन विभाग का प्रेजेंटेशन देखते हुए सीएम योगी ने कहा कि पीपीडी मोड पर अच्छे बस स्टेशन बनाने की दिशा में प्रयास करें। बसों की डग्गामारी को पूरी तरह बंद कराया जाए। प्रदेश के सभी गांवों को रोडवेज सेवा से जोड़ा जाए। 2000 नई अनुबंधित बसों को परिवहन सेवा में शामिल करें। 5000 नई बसों का परिवहन सेवा की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। 6 माह में बस बॉडी रिपेयर, बस स्टेशन सौंदर्यीकरण का कायाकल्प किया जाए। 2 साल में प्रदेश के शेष जनपदों की मिनरल मैपिंग करें और उपखनिजों के खनन क्षेत्र की संख्या में 2 गुनी वृद्धि करें। अवैध खनन और परिवहन की शिकायतें दर्ज कराने के लिए निदेशालय स्तर पर 24/7 कॉल सेंटर स्थापित करें। खनन प्रशासन में आवश्यक पदों के सृजन के साथ प्रतिनियुक्ति पर पुलिसकर्मियों की तैनाती करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्रवर्तन सेल का गठन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।